वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है हनी आई श्रंक द किड्स। ये एक कॉमेडी साइंस फिक्शन फिल्म है और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल है। तो आइए देखते हैं क्या है इस मूवी के अंदर। मूवी के फर्स्ट सीन में एमी अपनी दोस्त से फोन पे बात कर रही होती है और उसका भाई निक एक गैजेट पे काम कर रहा होता है। इधर ऊपर उनके पापा वेन एक मशीन पे काम कर रहे होते हैं। मशीन के सुर की आवाज से उनका पड़ोसी रसल थॉमसन गुस्से में उनके घर की तरफ आने को होता है, पर अपने 12 साल के बेटे रॉन के बिछाए जाल में फंस जाता है और उसके माथे पे एक रबड़ वाला एरो लग जाता है। इधर वेन अपनी मशीन को स्टार्ट करके टेस्ट करने के लिए एक एप्पल को श्रिंक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो एप्पल फट जाता है। इधर रसल अपने घर में जब अपने बड़े बेटे रसल जूनियर से फिशिंग चलने को बोलता है तो वो मना कर देता है और इस बात पे रसल काफी भड़कता है, पर उसकी वाइफ में उसे शांत करा देती है। अगले सीन में वेन अपनी कॉन्फ्रेंस के लिए निकलता है और अपने बच्चों से घर साफ करने को कहता है क्योंकि उनकी माँ डायना दोपहर तक आने वाली होती है। इसके बाद निक गार्डन साफ करने जा रहा होता है और रॉन उसे बेसबॉल खेलने को पूछता है पर वो मना कर देता है। थॉमसन रसल को फिशिंग की तैयारी में अपने साथ लगाता है और इधर सजलेस्की के घर में एमी डांस करते करते सफाई कर रही होती है और खिड़की से रसल जूनियर उसे देखता है। इसके बाद थॉमसन रसल को स्टोर रूम में लेकर जाके वेट्स दिखाता है और जिम करने को कहता है, जिसे वो बेमन से करता है। इधर रॉन अकेले बेसबॉल खेल रहा होता है और उनकी बॉल वेन के लैब रूम में खिड़की से कांच तोड़ते हुए अंदर चली जाती है और उसकी वजह से मशीन ऑन हो जाती है और वो सोफे पे काम कर जाती है जिससे सोफा छोटा हो जाता है। इधर रसल जूनियर देख लेता है कि रॉन ने वेन का शीशा तोड़ा है और उसे माफी मंगवाने वेन को घर ले जाता है। अगले सीन में रस और रॉन वेन के घर पहुंचते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनके घर का शीशा रॉन ने तोड़ दिया है। एमी के कहने पर निक रॉन के साथ ऊपर बॉल लेने जाता है। इधर वेन कॉन्फ्रेंस में अपनी मशीन की डिटेल प्रेजेंटेशन देता है पर लोगों को उसकी बातें बेबुनियाद लगती हैं और वो प्रूफ की मांग करते हैं। इधर एमी और रस निक और रॉन को ढूंढते हुए ऊपर आते हैं और मशीन की रडार में आने से वो भी श्रंक हो जाते हैं। एमी और रस को देख के निक और रॉन भी उनके पास आते हैं और वो सब घबरा जाते हैं। तभी वेन घर लौट आता है। अपने रूम में ऊपर एमी और निक को ढूंढते हुए जाता है और वहां पे अपनी मशीन को देख के गुस्से में आके उसे डिस्ट्रॉय करने लगता है। चारों बच्चे उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन चूंकि वो बहुत छोटे हो गए हैं वेन उन्हें सुन नहीं पाता। वेन कमरे में बिखरे कांच पे झाड़ू मारता है और सभी बच्चे भी वो झाड़ू में फंस के कूड़े के साथ मिल जाते हैं और वेन कूड़े वाली पन्नी को गार्डन के बाहर कूड़े के पास रख के चला जाता है। वो पन्नी को फाड़ के उससे बाहर निकलते हैं और खुद को बैकयार्ड में पाते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वो चारों साथ में ही रहेंगे और निक कैलकुलेट करके बताता है कि यहां से यार्ड की दूरी 3 माइल है जो कि एक लंबा सफर है। अगले सीन में डायना सिलेस्की के घर वापस आ जाती है और वेन से बताती है कि वो एक बहुत बड़ा घर बचाने में सफल रही। फिर बच्चों को पूछने पर वेन बताता है कि उसने उन्हें घर आने के बाद से नहीं देखा और उसका सोफा भी गायब है। इधर चारों बच्चे यार्ड में आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और तभी उन्हें एक रिवर दिखता है। रस बताता है कि ये प्रोबेबली उनके कुत्ते कॉर्क की सुसु होगी। तभी निक ऊपर चढ़ता है और कॉर्क को आवाज देने लगता है। वो कहता है कि कुत्तों की सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है और इस वजह से कॉर्क उन्हें सुन के उसके पास आ जाता है। वो सब एक साथ सीटी बजाना शुरू करते हैं और ऊपर की तरफ चढ़ते हैं जिससे कॉर्क उन्हें देख पाए। इधर डायना एमी और निक के फ्रेंड से कॉल करके उन्हें बारे में पूछती है पर वो वहां नहीं होते। क्वाक निक की आवाज सुनके यार्ड की तरफ आता है लेकिन तभी थॉमसन की बिल्ली वहां आ जाती है और क्वाक भाग जाता है। इधर जिस फ्लावर पे निक रॉन और रस चढ़े होते हैं वो इंबैलेंस हो जाते हैं और निक दूसरे फ्लावर के पोलन में गिर जाता है। इधर मैं डायना से बच्चों के बारे में पूछती है लेकिन दोनों को कुछ नहीं पता। निक पोलन में गिरा होता है। तभी वहां बीस आ जाती है और एक बी निक को उठा लेती है और उसे बचाने रस भी बी के ऊपर कूद जाता है। बी यार्ड के चारों ओर घूमती है और विन बेसबॉल बैट से उसे हटाने की कोशिश करता है और बीस रस और निक को एक दूसरी जगह गिरा देता है। विन को एहसास होता है कि निक बेसबॉल नहीं खेलता। नेक्स्ट सीन में विन अपनी मशीन रूम में जाता है और उसका पैर अपनी चेयर पे पड़ जाता है और उसे समझ नहीं आता कि उसकी मशीन काम करती है। वो एमी और निक को ढूंढने यार्ड में आता है और फेंस पे चढ़ के जाता है जिससे उसका पैर अपने बच्चों पे ना पड़ जाए। इधर निक होश में आता है और रस के साथ एमी और रॉन को ढूंढने निकलता है। इधर रॉन एमी की पूरी फैमिली को जेल में जाने की बात कहता है जिसपे एमी बताती है कि इस मशीन की वजह से वो लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। विन लकड़ी के साथ स्टैंड पे चढ़ के यार्ड में बच्चों को ढूंढने आता है और स्टिक से पाइप फेंस के यार्ड के स्प्रिंटर खुल जाता है और पानी बहने लगता है जिसकी वजह से रॉन और एमी बचने के लिए भागने लगते हैं। इधर रस और निक भी पानी से बचने के लिए भागते हैं और विन स्लिप करके कपड़े फैलाने वाली रस्सी में फंस जाता है। तभी डायना के क्लाइंट बॉस्टन भी वहां फाइल देने आ जाते हैं और वेन उन्हें ग्रास से हटाने के लिए घबराहट में चिल्लाता है। इधर एमी निक को बुलाने के लिए ऊपर चढ़ती है और फिसल के पानी में गिर जाती है और रस उसे बचाने के लिए उसके पीछे पानी में आ जाता है और उसे वहां से निकालता है। रस उसे मुंह से सांस लेता है और वो थोड़ी देर बाद वापस होश में आ जाती है। इधर वेन किसी तरह खुद को रस्सी से इंबैलेंस करके दोबारा बच्चों को ढूंढने में लग जाता है। इधर थॉमसन के घर उसके फ्रेंड साथ में फिशिंग के लिए उसे लेने आते हैं लेकिन वो बहाना मार देता है कि मे की तबीयत ठीक नहीं है और साथ आने से मना कर देता है। अगले सीन में एमी रस को निक और उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। फिर वो सभी घर के लिए आगे बढ़ते हैं और तभी उन्हें एक कुकी दिखती है जो उनके लिए बहुत बड़ी होती है। वो सब खाने में जुट जाते हैं लेकिन तभी वहां एक चींटी आ जाती है और वह सब दूर भागते हैं। पर निक के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो सब उस चींटी की पीठ पे बैठ के जल्दी घर पहुंच सकते हैं और तीनों लड़के उस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन चींटी उन्हें ऊपर बैठने नहीं देती और बहुत एग्रेसिव होने लगती है। तभी एमी कुकी का टुकड़ा लेके उसे आगे की तरफ लीड करती है और चींटी काम हो जाती है। इधर क्वाक वेन को घुमा देता है और वो जाके दूर पानी में गिरता है। रस के आइडिया से सभी चच्चे चींटी पे बैठ के घर की ओर निकलने में कामयाब
होते हैं और रॉन इसे एक सफारी जैसा बताता है। इधर डायना घर आती है और मिसिंग बच्चों की रिपोर्ट के लिए पुलिस को कॉल कर देती है। थॉमसन ने भी पुलिस को बुला रखा होता है और वो रसल की पुलिस वालों की बहस हो जाती है क्योंकि वो उनके बच्चों को भागा हुआ बोल देता है। इससे पहले कि पुलिस वेन के घर आती, वेन डायना को बताता है कि उसकी मशीन काम करती है और उसकी वजह से उसके और थॉमसन के बच्चे भी श्रिंक हो गए हैं और वो बैकयार्ड में कहीं हैं। और फिर वेन पुलिस को मिसअंडरस्टैंडिंग बता के वहां से जाने को कह देता है। अगले सीन में रॉन एंट पे से उतरता है और कुकी खिलाता है और वो उसे जाने देने का डिसाइड करता है क्योंकि वो थक चुकी होती है, पर एंट रॉन के पीछे पीछे आती है। इधर वेन और डायना दोनों रस्सी पे लटक के बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं। रसल सिगरेट पीने बाहर आता है और उन्हें ये करता देख के सिगरेट यार्ड में फेंक देता है जो बच्चों के पास में गिरती है और रॉन और रस पहचान लेते हैं कि वो उनके पापा की सिगरेट है। इधर डायना वेन से कहती है कि उन्हें थॉमसन को सब बता देना चाहिए। फिर वेन और डायना रसल और मे को श्रंक हुआ काउच दिखाते हैं और बताते हैं कि उनके बच्चे भी श्रंक हो गए हैं। ये सुनकर रसल काफी भड़क जाता है और उसका सर हैमर से फोड़ देने की धमकी देके वहां से निकल जाता है। इधर निक को अपने लेगोस का एक पीस मिलता है जिसमें वो रात गुजारने का डिसाइड करता है। इधर डायना सीढ़ी पे बैठी होती है, तब वेन उसके पास आता है और कहता है ये सारी गलती उसकी है, उसकी मशीन की वजह से उनके बच्चे प्रॉब्लम में है। फिर वो डायना को सोने को कहता है जिससे वो सुबह जल्दी उठ के फिर से अपने बच्चों को ढूंढ सके। इधर एमी रस से कहती है कि भले ही इंसान बड़े हो चाहे छोटे, कमाल की बात है कि मून सेम साइज का लगता है। फिर उनके पीछे बात होती है और दोनों किस कर लेते हैं, पर तभी वहां एक स्कॉर्पियन आ जाता है और वो चारों वहां से भागते हैं और उनके पीछे चींटी उस स्कॉर्पियन से भिड़ जाती है जिससे उसके दोस्त बच जाए। एंड को बचाने के लिए चारों मुल्के किसी तरह स्कॉर्पियन को भगाते हैं लेकिन उनकी चींटी मर जाती है। अगली सुबह निक का फ्रेंड टॉमी उसके घर आता है और निक द्वारा बनाया हुआ लॉन मॉवर चलाने लगता है। उसकी आवाज सुनके वेन और डायना भागते हुए उसे रोकने आते हैं और इधर चारों बच्चे भाग के एक टनल में घुस जाते हैं। जैसे ही डायना और वेन टॉमी को रोकते हैं वो एक बटन दबा देता है जिसकी वजह से चारों बच्चे खींच के उनके गेट से थोड़ी दूर पे गा के गिर जाते हैं। निक उठता है और डायना और वेन को जमीन पे से बैठा दिखाता है और वो चारों उन्हें एक साथ आवाज लगाते हैं पर वो सुन नहीं पाते और वापस घर में चले जाते हैं। निक एमी को गले लगा के रोने लगता है और रॉन पैनिक करने लगता है लेकिन तभी वहां कवक आ जाता है और वो चारों उस पर लटक के घर के अंदर जाने में कामयाब होते हैं। उन्हें टेबल पे उतारते वक्त निक उड़ के वहां के सीरियल बाउल में गिर जाता है और वेन निक को खाने वाला होता है पर कॉर्क उसे पैर पे काट लेता है और डायना माइक्रोस्कोप से चारों बच्चों को देख लेती है। इसके बाद वो सबको मशीन रूम में ले जाते हैं और थॉमसन भी वहां होता है। वेन अपनी मशीन फिक्स करता है लेकिन वो पहले उससे रसल पे एक्सपेरिमेंट करता है और मशीन सक्सेसफुल होती है। फिर वो सभी बच्चों को वापस बड़ा करने में कामयाब होते हैं। इसके बाद सभी नहा धोवा के साथ में डिनर करते हैं और मूवी का दी एंड हो जाता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और अगर आपको मेरी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो सुलाता रहूं।